सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। वेलकम टू नंदिनीज किचन। ये है किनोआ। किनोआ एक सुपर फूड है। इसको मैं दो तरह से बनाई हूँ, एक प्लेन और एक ब्लू कलर। तो वो ब्लू कलर मैं कैसे बनाई हूँ या फिर प्लेन वाला भी मैं कैसे बनाई हूँ, ब्लू कलर का किनोआ बनाने के लिए मैं क्या टेक्निक यूज़ की हूँ और उसका एक रेसिपी भी मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर की हूँ। आप एंड तक देखिए। जो भी नए व्यूअर्स हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, रेड बेल बटन को दबा के मेरे चैनल में हेल्दी रेसिपी देखिए और उसको बना के एंजॉय करिए। किनोआ में एंटीऑक्सीडेंट, मिनरल्स, मैग्नीशियम, आयरन, फाइबर, जिंक, बहुत कुछ इसमें है। एक सुपर फूड के नाम से जाना जाता है। ग्लूटेन फ्री होने के कारण ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। इसमें फाइबर है, वेट लॉस में तो ये बहुत ही हेल्प करता है। तो आप सब इसको अपने डाइट में ज़रूर ऐड करें। और इसका बनाने का तरीका भी बहुत ही इजी है। इसको अच्छे से धो के साफ़ करना थोड़ा ज़रूरी है, वरना इसका टेस्ट थोड़ा कड़वा लगेगा। ये देखने में बाजरा जैसा लगता है, लेकिन बाजरा से भी बहुत ही छोटा है। ये आजकल हमारे देश में बहुत इजीली भी मिल रहा है और लोग इसे पसंद करने लगे हैं। चावल और गेहूं के बदले आप इसको भी अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। लंच में, डिनर में, आप किसी में भी इसको ले सकते हैं। इसको अच्छे से साफ़ करेंगे, नहीं तो ये थोड़ा सा कड़वा लगेगा। हाथ से अच्छे से मल मल के इसको धो लीजिए 4-5 बार। उसके बाद इसको आप आधे घंटे के लिए या 15 मिनट के लिए भी पानी में भिगो के रखिए। बनाने से पहले एक बार छलनी में छान के इसको नल के नीचे और एक बार अच्छा से धो लीजिए। ये अच्छा से अब साफ़ हो गया है। अब इसको हम बनाते हैं। बनाने का टेक्निक भी सेम जैसे हम राइस बनाते हैं, चावल बनाते हैं, उसी तरह से। इसको हम प्रेशर कुकर में कुक करने का कोई ज़रूरत नहीं है। हम इसको पैन में, कढ़ाई में, डिक्ची में, किसी में भी बना सकते हैं। थोड़ा सा थिक रहे इसका नीचे का जो रहता है बेस कढ़ाई या पैन का, तो वो अच्छा रहता है। हम इसमें पानी 1:2 रेशियो में लेंगे, यानी 1 कप किनोआ में 2 कप पानी। पानी 2 कप से थोड़ा 1-2 चम्मच कम भी करें तो बहुत ही अच्छा खिला खिला बनेगा। तो ये मैं धो ली हूँ और कढ़ाई में पानी गर्म भी मेरा हो गया है। उसमें थोड़ा सा नमक और घी डाल दी हूँ मैं, और उसमें हम डालेंगे ये किनोआ को। इसको मैं कवर करके सीम पे लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। ये देखिए 10 मिनट बाद ये इतना ही हुआ है, तो ये थोड़ा सा 5 मिनट और लगेगा। कभी कभार कोई पहुंच जाता है, कोई मेहमान पहुंच जाते हैं, कोई आ जाता है, तो लगता है कि अरे क्या बनाऊं, कैसा क्या करूं, समझ में नहीं आता है। अगर आप किनोआ को पहले से ही बना के फ्रिज में रख दिए हैं तो आप इसका इंस्टेंट कुछ भी रेसिपी बना सकते हैं। मैं दिखाई हूँ, आगे देखिए। ये देखिए, ये 5 मिनट बाद मैं खोल के आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही अच्छा बना है। मैं गैस ऑफ कर दी हूँ और इसको मैं कवर करके फिर 5 मिनट में छोड़ दूँगी। आप देखते हैं खोल के कैसा बना है किनोआ हमारा। इसको आप स्टोर कर सकते हैं 3-4 दिन के लिए फ्रिज में। ये बनने के बाद इसको ठंडा करके आप एयरटाइट कंटेनर में फ्रिज में रखिए। आप इसका उपमा बनाइए, दही के साथ बनाइए, आप इसका सलाद में यूज़ कीजिए इसको, किसी में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं ये चावल जैसा ही बना है, खिला खिला सा। आप इसको अपने डाइट में इंक्लूड करिए और हेल्दी रहिए। ये तो हो गया मेरा प्लेन वाला किनोआ। अब मैं आपको दिखाऊंगी इसका मैं कलर कैसे चेंज की हूँ, क्या की हूँ मैं इसमें जो इसको कलर चेंज हो गया है। इसको मैं थोड़ा सा और न्यूट्रिशियस बनाई हूँ और इसको मैं ब्लू कलर में चेंज की हूँ। और ये ब्लू कलर कैसे आया है ये आप देखने के लिए मेरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। इसी ब्लू कलर किनोआ में मैं आपको एक पहले सलाद का रेसिपी दिखा चुकी हूँ और आज मैं एक और छोटा सा रेसिपी दिखाऊंगी इसका। लेकिन उससे पहले ब्लू कलर मैं कैसे लाई हूँ वो मैं बताती हूँ आपको। ये है अपराजिता, यानी कि बटरफ्लाई पी के नाम से ये जाना जाता है। इसको मैं धूप में सन ड्राई करके रखी हूँ, सुखा के इसका ग्रीन पोर्शन जो नीचे रहता है उसको निकाल के मैं ऐसे ड्राई करके इसको रखी हूँ। ये छोटा सा फूल बहुत ही काम का है। डायबिटिक पेशेंट के लिए, आईसाइट के लिए, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए, और ये इफ़ेक्टिव है हेयर लॉस के लिए। अगर बाल झड़ते हैं,
इसको गर्म पानी में गर्म गर्म या फिर ठंडा करके चील्ड करके दोनों तरह से आप ले सकते हैं। हर्बल टी के नाम से ये जाना जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है। इसको पीने से एक फुर्तीलापन सा मन में आ जाता है। इसको ऐसे ड्राई करके आप सन ड्राई करके स्टोर करके डिब्बा में रख सकते हैं। ये आजकल ऑनलाइन भी मिल रहा है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ इसका ड्रिंक कैसे बनता है। ये ग्लास ले ली हूँ, उसमें मैं कुछ फूल डाल दूँगी और मैं हॉट वाटर रखी हूँ साइड में, इसके ऊपर मैं डालूँगी हॉट वाटर। या फिर आप इस फूल को लेके सीधा जहाँ पे पानी बॉयल हो रहा है आपका, आप उसमें भी डाल के इसको बॉयल कर सकते हैं। अब देखेंगे कैसा जादू, ये फूल कैसा अपना कलर इसमें छोड़ता है पानी में। अब देखिए कैसा कलर चेंज हो गया ना। इसको अगर मैं बॉयलिंग वाटर में सीधा लेके डालती जहाँ पे मेरा पानी बॉयल हो रहा था तो ये इंस्टेंट काम करता। ये ग्लास में मैं डाली हूँ तो ये मुझे थोड़ा सा टाइम लगा इसमें। इसको अब हम छान लेते हैं और फूल जो मैं इसमें डाली थी उसको हटा लेते हैं और फिर हम इसका बनाते हैं ड्रिंक। कितना प्यारा कलर लग रहा है ना। ये गर्म है, आप इसको ठंडा करके भी फ्रिज में रखिए और समर में बहुत ही अच्छा लगता है ये पीने में। इसका प्लांट अगर आपके पास है तो आप इसको कच्चा भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको मैं ग्लास में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। इसका कलर बहुत ही सुंदर आया है और इसमें हम डालेंगे हनी। हनी डालेंगे हम इसमें, मधु। इसमें हम शुगर ऐड नहीं करेंगे, या फिर आप बिना हनी या बिना शुगर के भी ले सकते हैं इसको। ये हमारे आसपास अक्सर सभी के घर में मिल जाता है। ये एक मेडिसिनल और हर्बल प्लांट होने के कारण इसका फ़ायदा हम क्यों ना उठाएं। कई सारे बेनिफिट्स ये हमारे हेल्थ को देता है तो हम इसको क्यों ना अपने डाइट में इंक्लूड करें। तो चलिए मैं इसमें हनी डाल दी हूँ। अब इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा नींबू का रस। नींबू का रस डालते ही देखना आप इसका कमाल, कैसे ये कलर कन्वर्ट कर लेता है, कैसे कलर चेंज हो जाएगा इसका, आप सरप्राइज हो जाएंगे। बहुत ही देखिए कितना स्वीट सा कलर आ गया है इसमें और कलर कैसा चेंज हो गया इसका, है ना। ब्लू था, अब ये पर्पल में चेंज हो गया है। ये ड्रिंक आप लोग भी ज़रूर अपने डाइट में इंक्लूड करिए और मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि आपको ये कैसा लगा। अच्छा, हेल्दी चीज़ है तो अच्छा लगना ही चाहिए, अच्छा लगा होगा ज़रूर आप लोगों को। तो यही टेक्निक से मैं बनाई हूँ किनुआ को और किनुआ को मैं ब्लू कलर में कन्वर्ट करती हूँ। मेरे पास इसका ड्राई फ्लावर्स है तो मैं सोची मैं क्यों ना इसको यूज़ में ले आऊँ। तो पानी जब गर्म हो रहा था, मेरा किनुआ डालने से पहले पानी बॉयल हो रहा था, तभी मैं ये फ्लावर को लेके उस पानी में डाल दी। तो पानी में कलर आ गया, देखिए ये ऐसे पानी में कलर आ गया। अब मैं सारे फूल को इसमें से निकाल दूँगी, छान के इसको निकाल दूँगी और यही पानी में मैं किनुआ को जो साफ करके रखी हूँ वो किनुआ को मैं इसमें डालूँगी। तो ये हो गया ना डबल बेनिफिट। किनुआ तो वैसे भी ये सुपर फूड है और उसके ऊपर मैं ये फ्लावर डाल के इसका पानी को भी मैं कन्वर्ट कर दी, हेल्दी बना दी, और भी ज़्यादा हेल्दी हो गया ये। और किनुआ को मैं साफ करके अच्छा से रखी थी धो के, उसमें यही पानी में उसको डाल दूँगी और वो 10 मिनट के बाद एक बार मैं चला दूँगी खोल के, फिर 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी उसको कवर करके और किनुआ मेरा रेडी हो जाएगा। फिर ठंडा होने के बाद मैं उसको यूज़ करूँगी। इसको ये देखिए, ये अब थोड़ा सा पानी है, एक बार चला के मैं इसको कवर करके छोड़ देती हूँ, फिर ये रेडी हो जाएगा। इसका एक रेसिपी मैं शेयर की थी आप लोगों के साथ, इसका मैं बनाई थी सलाद। मेरा घी का रेसिपी में जो मैं पनीर निकाली थी उस दिन मैं ये रेसिपी आपके साथ शेयर की। सलाद में पनीर और ये ब्लू वाला केनुआ मैं यूज़ की थी। आज इसी केनुआ से एक और मैं रेसिपी आपको दिखाती हूँ। आप इसको ठंडा करके फ्रिज में रखिए, एयरटाइट कंटेनर में ये 4-5 दिन तक आराम से रहेगा और जब मन करे इसको थोड़ी देर पहले निकालिए और इसको यूज़ करिए। इसको मैं जितना बनाना है निकाल देती हूँ और बाकी को मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो कढ़ाई ले लेते हैं या फिर पैन ले लेते हैं, उसमें थोड़ा सा घी डाल के मैं जीरा डाली हूँ छौंक में और हरी मिर्च और अदरक डाल के थोड़ा सा ये भुनने के बाद इसके ऊपर मैं डालूँ कटा हुआ प्याज, बीन्स। आप अपने पसंद से इसमें कुछ भी डाल सकते हैं,
जैसे हम उपमा बनाते हैं उसी तरह से हम इसको बनाएंगे, लेकिन मैं ये इसको लंच के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, तो ये आज हम लंच में ही लेंगे। ये प्याज थोड़ा सा हल्का भुनने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी बीन्स। बीन्स थोड़ा सा ये मेरा पहले से ही भुना हुआ है क्योंकि मैं कुछ और रेसिपी इसका बनाई थी, तो इसमें मैं थोड़ा सा मसाला कुछ ऐड कर रही हूँ, अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करिए। मैं यहाँ पे थोड़ा सा जीरा पाउडर ऐड की हूँ और मैं इसको खटास के लिए इसमें ऐड करूँगी नींबू का रस, और ये बहुत ही जल्दी बन जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है क्योंकि ये तो पहले से ही कुक हुआ है। तो चलिए ये मेरा बन गया, इसमें अपने टेस्ट के अनुसार नमक डाल दीजिए, इसके ऊपर धनिया पत्ता भी मैं डाल दी और थोड़ा सा गाजर जो मेरा कद्दूकस करके रखी थी मैं इसमें डाल रही हूँ ऊपर से, और ऊपर से थोड़ा सा नींबू का रस। मैं इसको हॉट केस में रखी हूँ, खाते टाइम फिर निकालूंगी, गरम गरम रहेगा। अब मुझे बाय बाय बोलिए, फिर एक नया और हेल्दी रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। आज का रेसिपी कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट में बताना और एक लाइक ज़रूर करना।